भाई कहाँ से शुरू करें आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो भाई थोड़ी सी डिफरेंट सी है। यूजली ना वैसे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन बोट ने एक इतना बड़ा क्लेम किया है कि मुझे लगा भाई उसको तो यहाँ पर टेस्ट करना बनता है। कुछ दिन पहले बोट ने यहाँ पर भाई एक टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे ऐड दी थी और उसमें लिखा था डोंट बी ए फैन बॉय बी अ बोट हेड। अब ये जो ऐड थी ना, मतलब ये बेसिकली एप्पल को उन्होंने टारगेट किया था। वैसे तो उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, सिर्फ असली एप्पल उन्होंने यूज़ कर लिया, एप्पल की जगह एप्पल, बात तो सेम ही है। लेकिन उस एड में उन्होंने भाई एक तरह से ये क्लेम कराया कि वो बेटर है एप्पल से। अब ये वाला क्लेम भाई मतलब एक तरह से मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी बोल्ड क्लेम है, क्योंकि भाई देखो एप्पल के प्रोडक्ट मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ और हमने अपने चैनल पर बोट के प्रोडक्ट भी बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट किए हैं। क्लियरली यहाँ पर भाई बोट ने बहुत बड़ा बोल्ड क्लेम कर दिया है। देखो भाई ब्रांड आपस में एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, हमने बहुत सारे ब्रांड ऐसे देखे हैं पहले, चाहे भाई एप्पल हो, सैमसंग हो, एंड्रॉयड, एप्पल, ये वॉर चलती रहती है। लेकिन बोट ने इस बार भाई क्लियरली यहाँ पर बोला है कि डोंट बी ए फैन बॉय बी अ बोट हेड। बेसिकली बोट के फैन बॉयज को बोट हेड बोलते हैं। उसके अलावा कुछ टीवी एड्स भी आई थी उनकी, मतलब डोंट बी ए फैन बॉय बी अ बोट हेड। देखो भाई मैं खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर चुका हूँ, 15 साल तक मैं आर्ट डायरेक्टर भी रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई ये इस तरह की एड्स बनती रहती है। और एक चीज भाई हम कहते हैं कि एम हाई एंड ऑलवेज पंच अप, बोट ने ऐसा ही कुछ करा है। और एज समवन सेड भाई, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ब्रिलियंट यहाँ पर स्ट्रैटेजी है बोट की, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं इसी ऐड के लिए, लेकिन भाई फिर इसी वजह से बहुत सारे लोग भाई ये जो एड्स हैं उसको शेयर भी कर रहे हैं और हम भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और आप देख भी रहे हो। भाई देखो ब्रांड कुछ भी यहाँ पर क्लेम करे, लेकिन हमारा काम है भाई ये फैक्ट्स पे बात करना। और हम भाई ऑब्वियसली बोट के बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रिव्यू भी कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो मैंने सोचा भाई जो एड में यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है जिसका नाम है आई थिंक निर्वाना इओन ANC, तो हमने उसी को मंगा लिया भाई चेक करने के लिए उनके जो क्लेम्स वगैरह हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर भाई ये डिलीवर हो गए थे, मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर कर दिया था। देखिए भाई यहाँ पर एप्पल एयरपॉड से ये कितने बेटर है। मैं इस वीडियो में यहाँ पर 5 जो पॉइंटर्स पे एक तरह से बात करूंगा, जो जो यहाँ पर बोट के क्लेम्स हैं उन्हीं पे बात करेंगे, और कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है जो बोट ने अपने एड में नहीं किया। फर्स्ट साउंड क्वालिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यहाँ पर ये एप्पल एयरपॉड्स हैं। और पर्सनली मैं ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि एप्पल जो एयरपॉड्स हैं उनकी जो साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन ये भाई किसी तरह से भी मतलब बेस्ट नहीं बोल सकता इनको मैं। इससे भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी भाई अच्छी सुपीरियर क्वालिटी रहती है। बट यहाँ पर बोट ने जो क्लेम किया है कि इन ईयरबड्स में जो इनके निर्वाना ये इओन ANC है या फिर दूसरे भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको बेटर बेस मिलता है। अब ये चीज़ पे मैं यहाँ पर एग्री कर भी सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हम इंडियन यूज़र हैं और इंडियन यूज़र हैं तो भाई बेस हमको पसंद है, इंडियंस को बेस पसंद है। और आई थिंक बोट के जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर परचेस करोगे ना, तो ज़्यादातर उनमें भाई उनका एक सिग्नेचर बेस बूस्ट साउंड वगैरह रहती है। और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा थम्पी बूमी बेस होता है। एप्पल में भी होता है वैसे बेस अच्छा खासा, लेकिन बोट में थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप बेस हेड हो तो बोट के प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर बेस मिल सकता है। बट जैसे मैंने बोला भाई साउंड क्वालिटी यहाँ पर मैटर करती है, और ओवरऑल साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा कि जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट नहीं है भाई इंडस्ट्री में, इसी तरह से बोलूँगा कि बोट के भी इतने मतलब इनको मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर बेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर विनर मैं बोट को बोल सकता हूँ। थोड़ा वियर्ड लग रहा है पर यहाँ पर ठीक है, एक तो क्लेम भाई बोट का मेरे ख्याल से यहाँ पर सही है शायद, लेकिन सेकंड चीज़ है वो यहाँ पर है भाई फीचर्स। अब एप्पल जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि भाई जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं अच्छे खासे फीचर्स रहते हैं भाई इनके प्रोडक्ट्स में, लेकिन बोट का कहना है कि बेसिकली उन्होंने एक तरह से रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि एक अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे, इनमें भी फीचर्स अच्छे खासे डाले इन प्रोडक्ट्स में। उनमें से एक जो चीज़ है वो यहाँ पर वो बोलते हैं बैटरी। अब ये जो प्रोडक्ट है निर्वाना इओन ANC, इसमें यहाँ पर भाई बोट ने बोला है कि 120 घंटे का प्लेबैक टाइम है। अगर मैं इसको भाई एप्पल एयरपॉड प्रो से कंपेयर करूँ ना, इसमें भाई अराउंड 20 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। 20 घंटे 120 घंटे मतलब 100 घंटे का फर्क है दोनों में। अगर 120 घंटे नहीं भी मिल रहे ना, इसमें अगर आपको 60 घंटे मिल रहे हैं तो भी भाई एक तरह से 3 गुना यहाँ पर बैटरी बैकअप है इनका। तो ये वाला क्लेम भी मैं बोल सकता हूँ भाई यहाँ पर बोट का एक तरह से ट्रू है। लेकिन इस कंपैरिजन में तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर ये जो बोट का प्रोडक्ट है एप्पल के प्रोडक्ट के मतलब कहीं पर भी दूर दूर तक भी पास में नहीं है, और वो यहाँ पर है भाई इकोसिस्टम। अब देखो भाई मैं खुद बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ बहुत सालों से, और ये वाले जो एयरपॉड्स हैं ना मैंने बहुत टाइम बाद जाके परचेज किए थे जब मैं भाई बिल्कुल एप्पल के इकोसिस्टम में घुस गया था। मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज़ कर रहा था, आईपैड यूज़ कर रहा था, एप्पल यहाँ पर मैं मैकबुक भी यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पर ना ये जो एप्पल एयरपॉड्स हैं ना मतलब एक तरह से फ्लॉलेसली जो सिंक में रहते हैं इकोसिस्टम में, एक तरह से ना एप्पल आपको मतलब
ऐसे जकड़ के रख लेता है कि भाई हमारे ही प्रोडक्ट आप यूज करो। और वहीं यहाँ पर ना बोट के पास इस तरह का कोई भी इकोसिस्टम नहीं है। अब देखो भाई ये ना एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एप्पल भाई आपको एक तरह से अपने इकोसिस्टम में अंदर ही रखना चाहता है। जैसे अगर आपके पास आईफोन, आईपैड और या फिर मैकबुक वगैरह नहीं होगा तो इस प्रोडक्ट का भाई कोई यूज नहीं है जो एप्पल एयरपॉड्स का। लेकिन बोट के इस तरह के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये बेसिकली मासेस के लिए ज्यादा होते हैं। आप किसी तरह का फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मतलब ये सभी के साथ वर्क करेंगे। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि भाई जो इकोसिस्टम यहाँ पर एप्पल का है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पर बोट इन फ्यूचर शायद कि अपने इकोसिस्टम पे वर्क करे, बट अभी के पास उनका कोई इकोसिस्टम नहीं है, तो ये यहाँ पर मेरे को लगता है कि क्लियर विनर है। बट जैसे मैंने भाई यहाँ पर प्लस या फिर नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं इकोसिस्टम में रहना, भाग नहीं सकते आप कहीं पर। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है भाई ऑप्शंस, या फिर मैं बोलूँगा कि भाई मास अपील। तो देखो भाई जो एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं और इनके इकोसिस्टम में, तो वो एप्पल के प्रोडक्ट ही यूज करते हैं और उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। वैसे जैसे बोट ने बोला है भाई फैन बॉय सेटल फॉर वाइट, तो सिर्फ वाइट यहाँ पर है। लेकिन बोट के साथ ये चीज़ है कि बहुत सारे अलग अलग कलर, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी नीड के हिसाब से यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट चूज कर सकते हो इसमें। जैसे मेरी वाइफ है, उसके कान में भाई एप्पल एयरपॉड्स फिट नहीं होते हैं, इसका मतलब है भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी नॉन एप्पल प्रोडक्ट अगर रहता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे बोट के, तो उनमें मैं भाई मतलब जैसे चूज कर सकता हूँ कौन सा फिट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। तो बहुत ऐसी वैराइटीज हैं बोट के साथ। एप्पल में फोन्स के अलावा बहुत प्रोडक्ट्स में वो कलर्स वगैरह वैसे भी नहीं निकालते। और उसके बाद भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो यहाँ पर है कि जो प्राइस। अब देखो भाई एप्पल के प्रोडक्ट हमेशा से महंगे हैं और आगे भी रहेंगे, बट जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है इनके प्रोडक्ट्स के साथ वो हमेशा अच्छा रहता है। बहुत अच्छे यहाँ पर फीचर्स रहते हैं, बहुत मतलब जैसे मेरा भाई अच्छा खासा इकोसिस्टम है उनका। बोट के प्रोडक्ट में बोल सकता हूँ एक तरह से वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो जो रहेगा वो अच्छा खासा रहता है। तो भाई ये चीज़ जो है ना ये भाई आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट की नीड है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई प्रोडक्ट कोई भी हो, ब्रांड के क्लेम कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट अपने हिसाब से परचेज करना है। तो अगर आपकी नीड एप्पल एयरपॉड्स है, जैसे कि अगर आप इकोसिस्टम में हो, तो मेरे को लगता है कि भाई ये एक तरह से बेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर आपकी नीड है जिसमें आपको भाई अच्छा खासा बेस चाहिए, अच्छी बैटरी चाहिए और आप ऐसे मतलब 10 गुना ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि भाई ये बोट के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया है। देखो भाई कुछ भी हो, यहाँ पर जो बोट का क्लेम है बहुत ही बोल्ड है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में जो यहाँ पर इस एप्पल एयरपॉड्स को उन्होंने टक्कर भी दी है। लेकिन जैसे मैंने कहा भाई आपकी नीड्स हैं, आप अपने हिसाब से इनमें से चूज़ कर सकते हो। एप्पल टू ऑरेंजेस कंपेरिजन है यहाँ पर, बट मुझे लगा भाई यहाँ पर ये वीडियो में थोड़ा सा अलग तरह की हो जाएगी तो आपको भी पता लग जाएगा। एनीवेज तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और यहाँ पर आपकी क्या थॉट्स हैं इस बोट के ऐड के बारे में? यहाँ पर जो कंपैरिजन किया उन्होंने एप्पल से भाई कितना सही है, तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह के एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको